नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको टीजीटी साइंस के अंतर्गत फिजिक्स यानी चैप्टर वन के कुछ आपको वैकल्पिक प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको भी साथ साथ इस वीडियो के देखना है पूरा वीडियो, और जो हम क्वेश्चन करें उसको आपको आंसर देखना है। आपको देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 15 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न है हमारे एबीटेक ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप लोग इनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें टीजीटी साइंस का कंप्लीट कोर्स हम अपने ऐप के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो लोग टीजीटी साइंस का कोर्स करना चाहें, उनके लिए एडमिशन ओपन है। ठीक है, और अगर आप बाद में भी लेना चाहेंगे तब भी ओपन रहेंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर पूरे आपको ऑफलाइन वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जरा डेली एक वीडियो एक लेक्चर आपको वहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है इस समय। ठीक है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, एबीटेक आप लोग गूगल पर डाल दीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर, तो ये आपको एबीटेक नाम से ऐप मिल जाएगा। बाकी पूरा नाम इसका एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक। ठीक है, ये ऐप का नाम है। यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके टीजीटी साइंस का जो कोर्स है वो एक्सेस आप लोग कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा जो पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है 125 क्वेश्चन का, वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। अगर आप टीजीटी साइंस का कोर्स परचेज करेंगे उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कोर्स नहीं परचेज करते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तब भी आप उसको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट हम चैप्टर वाइज आपको देने जा रहे हैं ये हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल कराते रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों वन जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि दाब प्रवणता का विमीय सूत्र है। अब आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ML-2 T-2, सेकंड है ML-2 T-1, थर्ड है ML-1 T-1, और फोर्थ है ML-1 T-2। अब आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो हम आपको अभी इसमें बकायदे पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हमको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोग दाब प्रवणता जानते होंगे, दाब प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो होता है दाब बटे दूरी। ठीक है, दाब बटे दूरी ये फार्मूला होता है। अब इसमें आपको विमा रखनी पड़ेगी, दाब की विमा और दूरी की विमा। आपको दाब प्रवणता की विमा पता चल जाएगी, तो दाब की विमा आपको यहाँ पर जो होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर आपको दाब की विमा नहीं मालूम है तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, तो दाब के लिए आप लोग जानते होंगे दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो मैं इधर आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब का फार्मूला होता है। अब बल की विमा आप लोग जानते होंगे ML T-2, ये बल की विमा हो जाएगी। नीचे होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा होती है L2। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब अगर इसको आप लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा ML-1 T-2, ये आपकी दाब की विमा आ जाएगी। तो अगर आपके दाब को विमा नहीं मालूम है तो आपको याद करना पड़ेगा जो हमने वीडियो लेक्चर कराया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर विमाएं होती हैं उनको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऐप पर, दोनों जगह अवेलेबल, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आप देखिए दाब की विमा हमारे पास आ चुकी है ML-1 T-2। अब यहाँ पर हम दाब की विमा रख देंगे ML-1 T-2 बटे यहाँ पर जो दूरी है, दूरी को हम रख देंगे, दूरी की विमा क्या होती है L। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ML-1 ऊपर है ये, T-2 है ही, ये जो L नीचे है ये नीचे से जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा L-1। अब L-1 यहाँ पर है, L-1 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ML-2 T-2।
ये आपकी आ जाएगी दाब प्रवणता की विमा। तो आंसर आपके सामने आ गए ML माइनस वन टी माइनस टू। अब यहां पर अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ML माइनस टू टी माइनस टू आपका ऑप्शन ए मिल रहा है, अतः ऑप्शन ए आपका जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने दाब प्रवणता की विमा निकाल लिया, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, और लेटेंट हीट का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार जो विमा निकलेगी वो निकलेगी सेकंड ऑप्शन। विमा नहीं पूछा, मात्रक पूछा है, तो यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऊर्जा प्रति किलोग्राम, इस मतलब जो इसका मात्रक हुआ जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप इसको कर लेंगे, जूल प्रति किलोग्राम सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि निम्न में से किस युग्म के विमीय सूत्र समान है। यहाँ पर हमें वो युग्म ढूंढना है जिसके विमीय सूत्र समान है। तो पहला है कार्य व क्षमता, दूसरा है संवेग व ऊर्जा, तीसरा है बल व शक्ति, चौथा है कार्य व ऊर्जा। तो अगर आपको इनकी विमाएं याद है तो आप डायरेक्टली कर सीधा टिक कर दोगे यहाँ पर कि ये इसका ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपको विमा याद नहीं है तो फिर आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो ज़्यादातर विमाएं यूज होती हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए। तो अगर इसको हल करें तो देखो कार्य का जो सूत्र होता है आप लोग जानते हैं, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन कार्य का फार्मूला होता है। और अगर इसकी विमा निकालना है तो एम एल टी माइनस टू आपकी बल की विमा हो जाएगी और विस्थापन की हो जाएगी एल। ठीक है, अगर इसको आप विमा निकालोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू किसकी विमा आ गई, ये विमा आ गई आपकी कार्य की, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो उसके भी विमा कार्य की विमा के ही बराबर होती है, क्योंकि ऊर्जा देखा जाए तो ऊर्जा कार्य जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वही कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, या कहें जो कार्य होता है वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ऊर्जा की भी विमा यही होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो हमारी विमा दोनों की सेम है, कार्य व ऊर्जा की विमा आपकी सेम रहेगी, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इनकी आप लोग निकाल के देखना चाहें तो इन सबकी विमाएं अलग अलग आएंगी, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे और हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये है, देखिए निम्न में से किस राशि की विमाएं गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विमाओं के समान है, यानी चार ऑप्शंस दिए गए, इन चार में से बताना है किसके विमाएं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एक ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मैं एक ऑप्शन जो है उसको लिख देता हूं आपके सामने। तो ये जो ऑप्शन है वो है वेग स्क्वायर बटे द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये मिस हो गया, यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई, तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन बल बटे द्रव्यमान है, तीसरा संवेग स्क्वायर बटे बल है, चौथा कार्य बटे समय। इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन में से किसका जो विमा है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विमा के बराबर है। तो सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालनी पड़ेगी कि क्या होती है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद फिर चारों में से देखना पड़ेगा कि किसकी विमा किसके बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो विमा आपके सामने कैलकुलेट कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इससे आपको यही पता चल जाएगा कि विमा निकालते कैसे। वैसे हमने इसको सारी विमाओं को अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो अगर आपने टीजीटी साइंस का कोर्स अभी तक बाय नहीं किया है तो हमारे ऐप के ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड करने के बाद कोर्स परचेज कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपको वीडियोस भी दिए जाएंगे और साथ साथ इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकाल लेते हैं। पहले तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा आपने, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण फार्मूला।
अब अगर जी की वैल्यू वीवा निकालनी है तो जी को एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी को एक तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया कि जी को एक तरफ कर लिया, तो जी को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू। अब जी की वीमा निकालने के लिए एफ की वीमा रखनी पड़ेगी एम एल माइनस टू, है ना, और आर की वीमा रखना पड़ेगा एल स्क्वायर, और नीचे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान दोनों है तो ये हम सीधा लिख देते हैं एम स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ऊपर जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, और L देखिए L स्क्वायर ये लिखा इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे से M स्क्वायर जाएगा उठ के तो ऊपर हो जाएगा माइनस टू। अगर G की वीमा कैलकुलेट करें यहाँ पर तो ये M यहाँ पर देखिए माइनस टू है और M की यहाँ पर वन है तो ये आ जाएगा M माइनस वन, L स्क्वायर ये है और L ये है तो हो जाएगा L क्यूब, और T माइनस टू यहाँ पर है और T का और कहीं है नहीं तो ये आ जाएगा, ये देखो सामने आपकी वीमा आ गई G की M माइनस वन L क्यूब T माइनस टू, ये वीमा आ गई किसकी, जी की। अब हमें इन चारों में से बताना है किसकी वीमा जी के समान है, यानी जिसकी वीमा इतनी आ जाती है निकल करके ये वाली वैल्यू, उसका मतलब वो समान है। तो अगर चारों ऑप्शन में हल करें तो कार्य बटे समय नहीं आएगी, संवेग स्क्वायर बटे बल इसकी अलग आएगी, इसकी आगे। तो कहने का मतलब यहां पर मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि इसका आंसर होगा पहला वाला वेग स्क्वायर बटे द्रव्यमान प्रतिकांक लंबाई। अब इसकी विमा निकाल के चेक कर लेते हैं, ये विमा इसके बराबर अगर आ जाती है इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं वेग स्क्वायर बटे द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई। अब विमा कैसे निकालोगे तो वेग का विमा आप लोग जानते होंगे एल टी माइनस वन होता है, ऊपर स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दो, नीचे द्रव्यमान है और साथ में प्रति एकांक लंबाई है तो L माइनस वन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये M ऊपर जाएगा, चलो चलिए एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर कर दिया और साथ में नीचे वाली वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो M माइनस वन और L हो जाएगा, पावर चेंज हो जाती है। तो देखिए अब M माइनस वन यहाँ पर है तो M माइनस वन आ जाएगा, L यहाँ पर है, L यहाँ पर है और साथ में इसमें स्क्वायर भी लगा है तो L क्यूब हो जाएगा, और T माइनस वन अंदर है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो T माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो विमा यहाँ पर निकली वही विमा G की भी है, इसका मतलब दोनों की विमाएं सेम है, इसलिए क्या हुआ कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर वन है वेग स्क्वायर बटे द्रव्यमान प्रतिकांक लंबाई, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है यदि लंबाई व बल के मात्रकों को चार गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, चार गुना, इसके बाद सोलह गुना, आठ गुना या कोई वृद्धि नहीं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करो, अगर आपको आता है तो इसको आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बता रहा हूं कैसे करना है इसको। यदि लंबाई व बल के मात्रकों को चार गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक क्या बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, इसको हमें क्या निकालना है, ऊर्जा को कैलकुलेट करना है कि ऊर्जा का मात्रक कितना बढ़ जाएगा। तो हमें सिंपल सी बात है ऊर्जा के मात्रक के अनुसार चलना पड़ेगा, ऊर्जा के फार्मूले के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ऊर्जा आप लोग जानते हैं ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है, ठीक है, और कार्य का फार्मूला आपने पढ़ा है क्या होता है, कार्य का फार्मूला बल गुणे दूरी, ये कार्य का फार्मूला होता है, या इसको विस्थापन भी लिखते हैं बल गुणे विस्थापन, ये मान ली चलिए। अब बोल रहा है कि बल का मात्रक चार गुना बढ़ाया जा रहा है और लंबाई का मात्रक भी चार गुना बढ़ाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है चार पहले अगर एक्स रहा होगा तब की बार चार एक्स हो जाएगा, और विस्थापन लंबाई भी बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर चार गुना, लंबाई मतलब विस्थापन तो ये भी चार गुना बढ़ाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है सोलह एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा, पहले अगर एक्स स्क्वायर रहा होगा तो अब की बार सोलह आ जाएगा, मतलब सोलह गुना हमारा बढ़ जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है वह मूल मात्रक जिसकी घात पृष्ठ तनाव व श्यानता के संता गुणांक के विमीय सूत्रों में से समान है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा लेकिन दोस्तों हल करोगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये पड़ेगा आपको। अब देखो आपको सामने अभी हम हल करके दिखाते हैं, कह रहा वह मूल मात्रक जिसकी घात
पृष्ठ तनाव व सन्नता गुणांक के विमीय सूत्रों में समान है। कहने का मतलब हमें पृष्ठ तनाव की विमा देखनी पड़ेगी, सन्नता गुणांक की विमा देखनी पड़ेगी, उसमें इसके बाद घात को कंपेयर करना है कि किसकी घात दोनों में सेम है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पृष्ठ तनाव की विमा मालूम होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन, और इसका फार्मूला होता है विमा में होती है MT-2। सॉरी, ठीक है, MT-2 आई थिंक होती है इसकी विमा। तो इसको हमने यहां पर लिख दिया, और इसके बाद सन्नता गुणांक इसके भी विमा देख लेते हैं। सन्नता गुणांक की विमा तो आपने स्टोक्स का नियम पढ़ा होगा, उसके अनुसार इसकी विमा निकल आएगी सन्नता गुणांक के अनुसार। तो इसकी दोस्तों जो विमा होगी वो होगी ML-1 T-1। अगर आपको ये विमा निकालना नहीं आता है तो आप पहले इसको विमा फार्मूले के अनुसार इसकी विमा को आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा F=6πa/rV। ये स्टोक्स का फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अनुसार आपको एटा की वैल्यू निकालनी है। एटा को ही हम लोग बोलते हैं सन्नता गुणांक। तो अगर एटा की जब आप विमा निकालेंगे तो यही विमा निकल के आएगी ML-1 T-2। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में पृष्ठ तनाव में और सन्नता गुणांक के जो विमीय सूत्र हैं उसमें से किसकी घात समान है मूल मात्रकों में। तो अगर आप दोनों को देखें दोस्तों, इसको और इसको, यानी पृष्ठ तनाव को और सन्नता गुणांक को, तो यहाँ पर देखिए इसमें एम है और इसमें भी एम है, इसमें T-2 है, इसमें T-1 है। तो आपको कंपेयर ये करना कि किसमें घात समान है, कौन सी भौतिक राशि है जिसकी घात समान है। तो अगर आप देखें तो M की घात 1 यहाँ पर भी है और M की घात वहाँ यहाँ पर भी है, यानी M की घात दोनों में समान है। और M का मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान। इस वजह से ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान की विमाएं दोनों में समान है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लंबाई इसमें है ही नहीं पृष्ठ तनाव वाले में, और समय दोनों के में डिफरेंट है, एक में T-2 है, एक में T-1 है। तो ऑप्शन आपका 6-1 करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, आपको ये बताना है भाई। तो आपने फिजिक्स पढ़ी है, भौतिक विज्ञान पढ़ी है, तो यहाँ पर आपको बता दें पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब कैसे, तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है F/L, सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है F/L। इस वजह से इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाए, सॉरी, जिसका मात्रक हो जाएगा ये पृष्ठ तनाव का बन जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यदि सी व आर क्रमशः धारिता व प्रतिरोध को व्यक्त करें तो आरसी की विमाएं क्या होंगी, है ना, आरसी की विमाएं निकालना है। यहाँ पर बोला है सी का मतलब धारिता है, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पर देखिए क्रमशः वर्ड यूज किया गया, पहले सी आया इसका मतलब धारिता है, बाद में आया आर इसका मतलब प्रतिरोध है। आप लोग जानते भी होंगे सी का मतलब धारिता होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी की विमा क्या होगी, तो सी के पहले आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सी बराबर फार्मूला होता है Q/V, यानी आवेश बटे विभवांतर, इसको बोलते हैं धारिता, आवेश बटे विभवांतर बराबर धारिता, है ना। तो इसकी अगर आप विमा निकालोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ कि सी की जो विमा होती है, तो सी की विमा जो दोस्तों है वो आपके सामने है M-1 L-2 T-4 A² ये सी की विमा है कि M-1 L-2 है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, L-2 T-4 A² आर की दोस्तों जो विमा है वो यहाँ पर है ML² T-3 और A-2, ये आर की विमा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें हमें आरसी की विमा बताओ क्या होंगी, किसकी विमा, आरसी की विमा। आरसी की विमा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आरसी की विमा सिंपल सी बात है, आपको आर और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आर की विमा पहले रख दो ML² T-3 A-2, ये आर की विमा हो गई, प्रतिरोध की विमा हो गई। अब बाजू में इसमें सी की विमा रख दो M-1 L-2 और T⁴ A2,
ये दोनों की विमाएं रख दी, m माइनस वन से m कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस कट जाएगा, l स्क्वायर से l माइनस टू कट जाएगा, गुणा में कट जाता है, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर से a माइनस टू कट जाएगा, t की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर t की पावर 3 है, तो यहाँ से 3 कट जाएगा हमारा और सिर्फ एक t बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो सिंपल सा क्या है बचा, सब कुछ कट गया सिर्फ t बच गया, तो RC की विमा कितनी आ गई T, लेकिन इस क्वेश्चन में T तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसको टिक कर दोगे, लेकिन दोस्तों इसको नहीं टिक करना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस T को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें M और L की वैल्यू नहीं है, तो M और L की वैल्यू आप लोग जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल रहा होगा आपको, एम जीरो एल जीरो टी, ये ऑप्शन आपको सेकंड में मिल रहा है, एम जीरो एल जीरो टी, अब ये ऑप्शन हो गया आपका बी आठ, बी नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो क्वेश्चन आपको आता हुआ होता है वो भी जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो इस चीज़ से आप लोग बचिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कोर्स जरूर परचेज करिएगा अगर आपने टीजीटी पीजीटी साइंस को क्वालिफाई करना है 2021 में, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्ड इसी तरीके से हर चैप्टर में हम लोग आपके प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बालू की एक कण की जो त्रिज्या है 1.6×10⁻⁴ मीटर है, इस कण की त्रिज्या बताना एंगस्ट्रॉम में क्या होगी। त्रिज्या ही दी गई लेकिन यह मीटर में दी गई है, और यहाँ पर बोला एंगस्ट्रॉम में त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर को एंगस्ट्रॉम में। इसका रिलेशन आपको पता होगा, अगर आपको रिलेशन पता है तो बड़ी आसानी से इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻¹⁰ मीटर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी को हमें यूज करना है, इसको उल्टा लिख दीजिए आप लोग, ऐसे इसको लिख दीजिए 10⁻¹⁰ मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम, इसलिए एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो 1/10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम। इसलिए सवाल में कितना बोला गया है, 1.6×10⁻⁴ मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो यहाँ पे हल कर लो 1/10⁻¹⁰ × 1.6×10⁻⁴ कितना है 4, है ना, ये आपका एंगस्ट्रॉम आ गया। अब इसको हल कर लो आप, जब हल करोगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये 10⁻¹⁰ ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये आपका प्लस में बन जाएगा, ऊपर 1.6 पहले से लिखा हुआ है और 10⁻¹⁴ ऊपर से पहले से है, और ये 10⁻¹⁰ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये 10⁻¹⁴ या 10⁻¹⁰ ये जब घट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6×10⁶ एंगस्ट्रॉम। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको ये आंसर आ रहा होगा, आ रहा है तो कोई आंसर होगा, देखिए ध्यान से देखिए, पहला ही आंसर दिया गया 1.6×10⁶ एंगस्ट्रॉम, इसलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, दसवां क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10 ये है कि एक मिनट में होते हैं क्या होते हैं, तो माइक्रो सेकंड कितने होते हैं, ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस मिनट को सेकंड में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिनट दिया गया, तो आप लोग जानते हो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, ठीक है। अब इस सेकंड की जो वैल्यू आ गई, इसको कन्वर्ट कर लेना है हमें माइक्रो सेकंड में, तो आप लोग जानते होंगे कि एक सेकंड बराबर 10⁶ माइक्रो सेकंड, एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, 10⁶, इसलिए 60 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड हो जाएंगे, तो 60×10⁶ माइक्रो सेकंड, है ना। इसको आप लोग हल कर लो, यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर 10⁶, तो ये वाला जीरो इसकी पावर में बढ़ जाएगा जा करके, तो आ जाएगा 6×10⁷ माइक्रो सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका, देखिए सेकंड नंबर में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है 6×10⁷ माइक्रो सेकंड, कितना सिंपल से कैलकुलेट हो गया है आपका। चलिए बढ़ते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, पारिस्थितिक दबाव यानी एटमोस्फेरिक
प्रेशर पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, ठीक है, तो इसका जो इकाई होती है वो होगी आपकी बार, इसकी इकाई क्या होती है बार, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, वह वन लाइनर क्वेश्चन था, सही कथन को चुनिए, चार आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। लिखा है विमीय रूप से शुद्ध समीकरण सत्य हो सकती है, तो ये हो सकती है, सही बात है। विमीय रूप से अशुद्ध समीकरण यानी जो अशुद्ध समीकरण है वो सत्य हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर लिखा है विमीय रूप से जो शुद्ध समीकरण है वो असत्य हो सकती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर यह सत्य ही होगा। अगर लिखा विमीय रूप से अशुद्ध समीकरण असत्य हो सकता है, तो इन चारों में से दोस्तों देखा जाए तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो समीकरण ऑप्शन नंबर वन लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर वन को हम करेक्ट करेंगे। जब इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आपको माइंड लगाने की जरूरत होती है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 13वें क्वेश्चन पर, देखते हैं, लिखा है शक्ति का मात्रक है, ये तो सीधा आपको अगर आपको आता है तो टिक कर देंगे। शक्ति यानी पावर, पावर का मात्रक क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, इसको सामर्थ्य भी कहते हैं हिंदी में, सामर्थ्य। शक्ति का दोस्तों जो मात्रक होता है वो यहाँ पर वाट होता है, इसका फार्मूला होता है पी बराबर वी इंटू आई, यानी सामर्थ्य बराबर एमपी धारा गुड़े विभवांतर सूत्र होता है, धारा गुड़े विभवांतर अगर हम उसके अनुसार चलें विद्युत के अनुसार, ठीक है, और अगर हम चलते हैं एक यांत्रिक में तो यांत्रिक में होता है पी बराबर डब्लू अपान टी यानी कार्य बटे समय। तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से हल कर लीजिए, आपका जो मात्रक होता है वो वाट ही आएगा आपका, ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो मेगावाट जानते होंगे शक्ति का ही एक बड़ा मात्रक होता है, सामर्थ्य नापने का एक बड़ा मात्रक है, कह रहे बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन की जाती है। तो दोस्तों मेगावाट एक बड़ी बिजली नापने की इकाई है, मतलब एक शक्ति का एक बड़ा मात्रक है, ठीक है, ट्रांसमिशन में यूज नहीं होगा, ट्रांसमिशन में बचत इतने मेगावाट में हम करते नहीं है, उपभोग हम इसमें करते नहीं, क्योंकि उपभोग में किलोवाट वगैरह आपने देखा घर में जो मीटर लगता है किलोवाट के हिसाब से लगता है। तो सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो उत्पादित की जाती है, जब किसी पावर प्लांट में विद्युत उत्पादित की जाती है तो वहां पर जो बिजली नापी जाती है वो मेगावाट से नापी जाती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, मेगावाट बिजली की नापने का ये जो उत्पादित की जाती है यानी पावर प्लांट में प्रोडक्शन हाउस में यहाँ पर इसका उपयोग होता है मेगावाट का। चलिए 15 नंबर देखिए, लिखा है लास्ट क्वेश्चन है, तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। बैरल आपने देखा होगा जब पेट्रोलियम कच्चा तेल आयात किया जाता है वहां पर हम लोग लीटर में नहीं नापते हैं, वहां पर किस में नापा जाता है बैरल में नापा जाता है तेल का चाल जो होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है एक तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, बहुत ही इसमें आपको सोच समझ के आंसर देना है, अगर आपको आता है तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो इसमें तुक्का नहीं लगा पाओगे। हालांकि टीजीटी साइंस की परीक्षा में तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन क्या मतलब इसलिए सोच समझ करके ये आंसर लगाएं आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर ये आपके होते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 15 क्वेश्चंस थे हमारे पहले चैप्टर के, जिसका नाम था विमा एवं मापन, मापन एवं विमा से संबंधित हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन हल किए। इसी तरीके और ज्यादा आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारा टीजीटी साइंस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी होगी, साथ साथ हम आपको वहां पर इसी तरीके से चैप्टर वाइज जो है वीडियो लेक्चर्स भी आपको देंगे, साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ करना चाहें तो पीडीएफ आप हल करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहें तो ये ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, पूरे 125 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना होगा, उससे आपकी प्रिपरेशन चेक होगी कि आप कितना कर सकते हैं, कितने नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करिए हमारा एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऑनलाइन ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से टीजीटी साइंस इनरोल कर लीजिए, ठीक है, एडमिशन्स ओपन है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।